रावलपिंडी एहतजाज के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान की रिहाई का फैसला कुनवार का शुरू हो गया। बैरिस्टर सैफ ने बड़ा दावा कर दिया। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि रावलपिंडी एहतजाज के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। बैरिस्टर ने दावा किया कि वजीर आला अली बिन गंदापुर की सरबराही में अजीम और शान काफिला एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेगा। अवाम का ठाठे मारता समंदर आज रावलपिंडी से टकराएगा। बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई का फैसला कुनवार का शुरू हो गया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर ने कहा कि राजकुमारी मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करें, पुरअमन आज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। उनका कहना था कि जाली मुकदमात और फॉर्म 47 के जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। दूसरी तरफ हुकूमत ने जीटी रोड से रावलपिंडी आने वाली सड़क को टैक्सला के मकाम रत्ता शाह पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। रवाद से रावलपिंडी आने वाली सड़क को भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। मरी रोड पर वारिस खान कमेटी चौक और मेरिट चौक पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर फैजाबाद खन्ना पुल पीडब्ल्यूडी और रवाद पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वकार चीमा ने मीडिया को बताया कि उनकी इंतजामिया और मकामी पुलिस अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हम आहंगी से काम कर रही है।